2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ राजद और जदयू अभी से ही तैयारियों में लग गई है, तो वहीं दूसरी ओर जनसुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने राजद और जदयू को बड़ा झटका दे दिया है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस और एनडीए की तरफ से अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है और अब इसको लेकर प्रशांत किशोर भी जो है वो कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर ने जदयू और राजद को बड़ा झटका दिया है। आखिरकार प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया है, चलिए हम आपको बताते हैं। यात्रा कर रहे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का अभियान लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करता दिख रहा है। पीके ने जब से बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की है, राजद जदयू सहित सभी दलों में खलबली मच गई है। कई मुस्लिम नेता अपनी पार्टी छोड़कर पीके के जन सुराज अभियान से जुड़ गए हैं। बीते दिनों आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं को जन सुराज से दूर रहने की सलाह दी है। इसके बाद भी राजद के कई नेता जन सुराज के साथ गए हैं। सोमवार को 35 और नेताओं का नाम जन सुराज में बताया जा रहा है, उनके साथ जुड़ा जा रहा है। राज में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और कई अन्य पद पर लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं का राजद और जदयू छोड़कर जन सुराज में शामिल होना इन दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तरफ जहां अगर हम बात बता दें कि जन सुराज से कौन कौन जुड़ रहा है, तो मुंगेर के पूर्व सांसद, जदयू के पूर्व बिहार मंत्री सरकार के पूर्व, जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, एक तरफ जहां इबरार अंसारी जो कि भागलपुर के हैं वो पूर्व जदयू प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि जन सुराज यात्रा से जुड़ रहे लोगों को लेकर अब कहीं ना कहीं राजद और जदयू की टेंशन बढ़ रही है। जन सुराज अभियान के बढ़ते प्रभाव से बिहार की राजनीतिक में उथल पुथल मच गई है। देखना होगा कि प्रशांत किशोर अपने इस अभियान से बिहार की राजनीति को कोई नया दिशा दे पाते हैं या नहीं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसको लेकर प्रशांत किशोर आए दिन बयान देते हुए नजर आते हैं। प्रशांत किशोर आए दिन बोलते हुए नजर आते हैं कि बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा देना बेहद जरूरी है, तभी बिहार की बेहतरी हो पाएगी, बिहार की स्थिति सुधर पाएगी। क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार कुर्मी कुशवाहा की राजनीति करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव MY समीकरण की राजनीति करते हैं। अब हिंदू मुस्लिम धर्म जात को लेकर राजनीति अगर बिहार में होती रहेगी, चलती रहेगी, तो बिहार कभी भी विकास नहीं करेगा। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर के आने से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया खेल देखने को मिलता है।